इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, जीरो रेट फॉर जीरो, इनफाइनाइट रेट फॉर जीरो, वन रेट फॉर इनफाइनाइट, है ना। तो जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट या फॉर एक्स रेट फॉर जी एक्स, है ना। तो दिस वैल्यू टेक दिस फॉर्म व्हेन एफ एक्स इज जीरो, जी एक्स इज जीरो। अगर एफ एक्स जीरो है, जी एक्स जीरो है, तो कौन सा फॉर्म होगा? ये फॉर्म हो जाएगा आपका जीरो रेट फॉर जीरो फॉर्म हो जाएगा, है। और एफ एक्स इनफाइनाइट है, जी एक्स जीरो है, ये फॉर्म हो जाएगा आपका, माने इनफाइनाइट रेट फॉर जीरो फॉर्म आ जाएगा। एफ एक्स वैल्यू वन है, जी एक्स वैल्यू इनफाइनाइट है, तो कौन सा फॉर्म होगा? वन रेट फॉर इनफाइनाइट रेट, ना, ठीक है। तो इस टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स ले लेंगे, कोई दूसरा फंक्शन नहीं कैपिटल लेंगे, फिर इसका लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये जो फॉर फंक्शन है आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर से बाद लिमिट निकालेंगे, ये इसमें नियम होता है। तो जैसे एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स रेट को एक्स माइनस ए रेट को एक्स माइनस ए, इसकी लिमिट निकालना। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें एक्स के प्लेस पर ए रखते हैं, अगर डिफाइन वैल्यू आ जाती है तो लिमिट हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म होता है तब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ए माइनस ए हो जाएगा और ए माइनस ए हो जाएगा ना, तो जीरो रेट फॉर जीरो हो जाएगा, जीरो रेट फॉर जीरो माने ये फॉर्म आ जाता है। अब इसे क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होल टू पावर जी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, है ना, ठीक है। अब इसे वैल्यू रखिए, तो लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब इसे लिमिट लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए, ठीक है। इसे लिमिट एक्स टेंड टू ए, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पता जी एक्स हमारे एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है, और इनटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे वैल्यू रखिएगा, तो ए माइनस ए इनटू लॉग ऑफ ए माइनस ए, तो देगा जीरो इनटू लॉग जीरो, ठीक है, तो जीरो इनटू इनफाइनाइट ना। तो इसे क्या लिखेंगे, ये आपका अनडिफाइंड फॉर्म है, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है ना, जिसे क्या करेंगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या जीरो बाय जीरो फॉर्म में जाएंगे, फिर ये हॉस्पिटल रूल लगेंगे। तो इसलिए लिमिट एफ टेंड इनटू ए ऑफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ टेंड इनटू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिख रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ टेंड इनटू ए डी बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस ए अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड इनटू ए वन अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड इनटू ए माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, ना, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड इनटू ए एक्स माइनस ए हो जाएगा, माइनस ऐसे वैल्यू रखिएगा तो माइनस ए माइनस ए रेडी जी हो जाएगा। एक किसकी वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड इनटू ए लॉग एफ एक्स की वैल्यू, लॉग ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ना। यहाँ से लिमिट एक्स टेंड इनटू ए एफ एक्स इसको टू क्या हो जाएगा, ई रेट को जीरो हो जाएगा, है इसका एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। तो लिमिट एफ टेंड इनटू ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स माइनस ए रेट को एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। तो देखिए तुम्हारा सब कुछ यहाँ तक ये वही है, यहाँ तक है, ये दो स्टेप दिखा दो, उसी में ये दो स्टेप दिखा दो, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी आप कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी,